नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए तमाम लोग वचनबद्ध होगा और नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के रखेल बंदी इस देश को चला रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का बात किया था, मिला नहीं। वो मिला नहीं। हम लोग जो है किसान संगठन है, जनवादी लोग हैं, तो कांग्रेस पर से विश्वास हटा करके मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन इन्होंने भी धोखा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारी महिलाओं को इज्जत ना करे। कहीं से कोई हिंदू खतरे में नहीं है, खतरा है तो नरेंद्र मोदी से देश को खतरा है। तो क्या नाम है? सुरेश कुमार सिंह। आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू है। मुसलमान को सपोर्ट करें? कैसे नहीं सपोर्ट, अंग्रेज से लड़ा मुसलमान, हम रहे मोदी के साथ, हम मुसलमान के साथ हैं। धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अभी मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर का आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में पूरे भारत से किसान यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग चारों ओर का नजारा देखिए कि किस तरह से किसानों का जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। इसमें बूढ़े बुजुर्ग, युवा और महिलाएं, सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण से ये लोग आए हुए हैं। हम इन लोग से बात करेंगे कि सारी डिमांड्स तो है आपकी पूरी हो गई है, तब आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग आए हैं कि जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो देश में जो गठन हुआ स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में, और पूरे देश में जो राज्य हैं तमाम राज्यों का दौरा किया ये कमीशन ने, और एक रिपोर्ट आई सरकार के सामने में कि खेती किसानी घाटे का सौदा है, और इसे जो है इसे उबारने के लिए सरकार के पास जो कमीशन ने सुझाव दिया कि किसानों का जो लागत है उसका 1.5 गुना किसानों को दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि संदर्भ में ये 13 महीना तक दिल्ली में बॉर्डरों पर जो संघर्ष हुआ किसानों का, उसमें जो सरकार ने जो 3 काला कानून जो लाया था, लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए और किसानों से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने वापस लिया, और उसमें जो किसान संगठनों से जो वार्ताएँ हुई कृषि संकट के संदर्भ में, आज वो हमारी यहाँ की जो सरकार है, केंद्र भारत की जो सरकार है, इसे पीछे हट रही है और वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए हम लोग जो हैं, क्या वादा किया था सरकार ने? सरकार ने ये वादा किया था कि हम जो है MSP को कानूनी दर्जा देंगे, जो किसानों का जो फसल है उसकी सरकारी स्तर पर खरीदारी होगी, लेकिन सरकार इसे पीछे हट रही है। यहाँ तक कि जो बिजली जो विधेयक जो तो क्या दिक्कत है, 2024 का भी चुनाव आने वाला है, आप लोग एक बार और प्रधानमंत्री को जिताइए, उसके बाद आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। अभी प्रधानमंत्री को और भी कई सारे काम है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो 14 में उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि हम स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाओं को हम लागू करेंगे। 8 साल बीत जाने के बाद में जो है उन्होंने इस पर कहीं कोई जो है उधर हो जाते हैं, बाद बाकी सारे वादे तो पूरे हुए। आप लोग तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने बोला था 15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में आएंगे, पहला वादा। दूसरा वादा, 80 करोड़ जनता को राशन तो मिल रहा है, राशन तो ले रहे हैं मुफ्त में, और आप लोगों का 3 जो काला कानून था उसको भी ले लिया गया। 15 लाख जो रुपए आप लोगों के पास आए हैं उसे अपना खेती कीजिए। ये तो आप भी पत्रकार हैं उस देश के, हम समझते हैं कि आप भी हिस्सा, अगर 15 लाख आया होगा तो आप लोग को भी खाते में आया होगा। आपके खाते में आया? हम लोगों का नहीं आया है, सब लोगों का आना चाहिए ना। क्योंकि आप लोग, अगर हम लोग के खाते में आया होगा तो आप लोग को जरूर खाते में आया होगा 15 लाख। तो ये सरकार जो है ये वादा करती है, वो तो कहा कि ये जुमला था, ये तो चुनाव के बाद में कहा कि ये जुमला था, तो ये जुमलों की सरकार है। और तो बार बार आप ही लोग तो इस सरकार को जिता भी रहे हैं। देखिए, जनता की उम्मीद होती है, किसी को मौका दिया जाना चाहिए। तो जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, लेकिन जनता के विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी
वो विश्वाघात कर रहे हैं। इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें किसान अपनी ताकत को सरकार को दिखाए। क्या करेंगे? गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। ये तो गृह मंत्री का बात हो सकता है, चूंकि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सरकारी एजेंसियां हैं, वो तो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? लोकतंत्र आपको भी लग रहा है खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आपको भी लगता है लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र एकदम खतरे में है। और प्रधानमंत्री ने जो 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का बात किया था, मिला नहीं, वो मिला नहीं। अग्निवीर योजना तो दिया, जबकि कांग्रेस के रीजन में, मनमोहन सिंह के रीजन में जो प्रत्येक साल 3 लाख बहाली होती थी वो भी घट करके, यानी 3 लाख से 5 साल में 15 लाख, 8 साल में 24 लाख होना चाहिए, जो इसके सरकार में मात्र जो है सो अभी 8 साल में। कांग्रेस ही हैं? नहीं, हम कांग्रेस ही नहीं है, हम कांग्रेस से, हम लोग जो है किसान संगठन है, जनवादी लोग हैं। तो कांग्रेस पर से विश्वास हटा करके मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन इन्होंने भी धोखा दिया। अब किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? कोई तीसरा विकल्प होगा उसको बनाएंगे। अब कांग्रेस और बीजेपी, नीतीश कुमार बनेंगे तीसरा जो अलायंस बनेगा, नीतीश कुमार को बनाएंगे, जिसके नेतृत्व में बन जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन जाए, वामपंथियों के नेतृत्व में बन जाए, पिनराय विजयन के नेतृत्व में बन जाए, तीसरा कोई भी बढ़िया विकल्प होगा उसको देखा जाएगा। अब मोदी नहीं, अब मोदी नहीं, लेकिन मोदी को तो दुनिया पसंद करती है। कहाँ दुनिया पसंद कर रही है? विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर, ये अपने यहाँ प्रिंट मीडिया में छपवाया जाता है। मोदी जी को मीडिया वाले लोग पसंद करते हैं। ओबीसी के नेता है, बहुजन नेता, इसलिए आप लोग को पच नहीं रहे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ओबीसी तो इसमें सब लोग हैं, भूख तो सबको लगता है, ओबीसी हो चाहे बीसी हो चाहे SC ST हो, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को, गरीबों के नेता है, गरीबों के लिए काम करते हैं। जो ये राशन जो है वामपंथियों के दबाव में मनमोहन गवर्नमेंट ने जो है 77% लोगों को फ्री, ये 2 रुपये और 3 रुपये गेहूं चावल देने का प्रावधान किया था, ये मनमोहन सिंह ने नहीं लाया है, ये पहले से है। इसमें इन्होंने नया ये किया है कि वो 2 रुपया 3 रुपया वाला जो था उसको बंद किया। आप लोग क्या करेंगे? अब इतने भारी तादाद में कैमरा पर्सन आप दिखाएंगे कि इतने भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि केरल के अंदर जो एक सरकार है पिनराय विजयन के नेतृत्व में, वो सरकार आज के डेट में पूरे देश में किसानों को अव्वल सुविधा दे रहा है। अगर पिनराय विजयन कोई विकल्प बना के आते हैं तो हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि वहाँ के किसानों को सुविधा अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छा है। आप लोग के नेता है राकेश टिकैत, किसान नेता, उनका क्या कहना है? नहीं, राकेश टिकैत हमारे नेता नहीं है, किसान नेता तो है, किसान नेता है, एक किसान ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है, लेकिन ये अखिल भारतीय किसान सभा के लोग हैं। हम लोग अखिल भारतीय किसान से पहले भी, आज से 10-20 रोज पहले भी हुआ था यहाँ पे रैली, आप लोग आए थे? नहीं, उसमें हम लोग नहीं थे। उसमें वो राकेश टिकैत ने कहा था कुछ, तो आप लोग को मालूम है उसके बारे में? हाँ, तो उनका किसान मोर्चा यहाँ जो हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा, उसके बाद महंत टिकैत साहब का किसान संगठन और कई किसान संगठन और मजदूर संगठन के तरफ से यह कार्य। क्या करेंगे, क्या करेंगे अब आगे आप लोग का क्या होगा? अगले का 2024 का पार्लियामेंट चुनाव में पूरी तरह से छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर कमर कस चुका है कि यह केंद्र की जो नीति की जो गलत सरकार, इसको समाप्त कर देना है, जड़ से उखाड़ कर हराने में सक्षम होगा उसको वोट करेंगे। जहाँ जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा उसी को वोट करेंगे। आप लोग को हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, राम मंदिर भी चाहिए। हिंदू इलेक्शन, राष्ट्र निर्माण हिंदू से नहीं होता, मंदिर और मस्जिद से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जब तक आप प्रेस के लोग हैं, आपके पेट में दाना पड़ेगा तभी आप मंदिर में पूजा करने जाइएगा या मस्जिद में। जनता तो खुश है ना, राम मंदिर बना दिया। जनता नहीं, ये ढकोसला बना रहा है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ढकोसला बनाते हैं मंदिर और मस्जिद, क्योंकि इसने कोई काम किया ही नहीं है। ये कैसे नहीं किया? कोई काम नहीं किया है, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, रोजगार दिया, न नौकरी, क्या क्या रोजगार किया मिला? अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर, युवर, अग्निवीर जो योजना है ये नौजवानों को उससे जाके काम चल जाएगा, 4 वर्ष बंदूक लेकर के जाएगी तैयारी करेगा और उसके बाद अगले साल से कहा
पकौड़ा तलने जाएगा, उसके बाद आत्मनिर्भर बन आप भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं अगर पढ़े लिखे हैं उनको भी रोड पर खड़ा कर दीजिए पकौड़ा तलने के लिए, तो दूसरे लोग भी पकौड़ा तलने के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए तमाम लोग वचनबद्ध हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये भारतीय जनता पार्टी और जो मीडिया के लोग हैं उनको उछालने का काम कर रहे हैं, बहुत काम किया, बहुत किया। जब ये पूछा जाता है कि भाई बताइए माननीय प्रधानमंत्री कौन सा काम किया, बहुत काम किया, अरे कामों तो बता दो, बता रहे हैं, बता रहे हैं। आप बताइए, आप समझ जाना, महिलाएं सुरक्षित हैं, धारा 370 हटा दिया, हिंदू राम राज आ गया, राम राज धारा 370 समाप्त से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त कर दिया, क्या उससे आपको लाभ मिला? आप वहाँ पर अपना मकान बना लिए, आप अपना जमीन खरीद रहे हैं, अडानी अडानी बना रहे हैं, वहीं पे जाएंगे काम करेंगे, क्या अडानी जी, ये जो है ये तीन आदमी चार आदमी इस देश को चला रहा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, ये चार आदमी, ये चार आदमी जो है उद्योग, ये तो अडानी और अंबानी उद्योगपति है और उद्योगपति के ये जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी रखायल हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के रखायल बन गए हैं। जैसे कहता है अंबानी और अडानी उसी तरह इनको करना पड़ता है। हाँ, तो अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं अंबानी अडानी। इनके राज्य में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है, कहीं से कुछ नहीं है जो पहले था। कोरोना में वैक्सीन बनाया, कोई कोरोना कहाँ कोरोना, क्या हुआ कोरोना? मैं तो बिहार से आता हूँ, मैं चंपारण के धरती से आता हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा किया देश को आजादी कराने के, कहाँ कोरोना था वहाँ? लोग मर कैसे गए? ये सिर्फ अफवाह फैला, मर कैसे गए लोग? कोई नहीं मरा, कौन लोग आज भी मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, कोई कोरोना से नहीं मरा, ये अफवाह बनाया गया, अफवाह चलाकर लोगों में भय पैदा करना का काम किया गया, कोरोना में कहीं कुछ नहीं था। बहुत लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं लेकिन उनको ना सर्दी हुआ है ना मरवे किए हैं, और बहुत लोग मरे हैं भय से, जो कमजोर हृदय वाले लोग हैं, कोरोना 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 से मर रहा है लोग, इस भय से बहुत लोग मर गए। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कोरोना से एक आदमी नहीं मरा है। पूर्वी चंपारण जिला में मेसी प्रखंड के हैं हम लोग, और वहाँ पर भी बहुत हल्ला हुआ लेकिन एक भी आदमी मरा नहीं। अब बहुत लोग कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लिया है फिर भी कुछ हुआ नहीं। आप लोग लगातार बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, अंबानी अडानी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है, मीडिया ऐसा बताती है कि सबसे अगर लोकप्रिय नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। नहीं है, ये बोले थे नहीं है, ये लड़ाई का खेती है ये अपना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जब से हुए और इसके पहले UPA 1 और UPA 2 और BP सिंह की सरकार थी, राजीव गांधी भी थी, इंदिरा गांधी भी थी, पंडित नेहरू भी थे, जब विदेश लोग जाता था यहाँ से प्रेस के लोग को ले जाता था कि नहीं, अगर आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री हुए हैं सभी देशों का भ्रमण किए, एक बार नहीं तीन बार चार देशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। नहीं तो फिर विदेशों से रिश्ता मजबूत कर रहे हैं तो इंडिया के जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुए या प्रिंट मीडिया, उनको क्यों नहीं ले जाते हैं? क्या कारण है कि आज तक ले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए? प्रेस से क्यों भागते हैं? मन की बात प्रेस से क्यों भागते हैं? मन की बात अमित शाह मन की बात में आते हैं, सिर्फ वो अपनी बात कहते हैं, मन की बात नहीं करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। किसान और मजदूर और छात्र और नौजवानों के मन की बात वो कभी नहीं किए हैं, नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं बता दूं, जब महिला सशक्तिकरण की बात आपने कहा है, प्रधानमंत्री जी की वाइफ कहाँ है? उन्होंने देश के लिए छोड़ दिया, देश के लिए छोड़ दिया। आप भी आप महिला हैं, मैडम ये जो
बात आप बोले हैं कि उन्होंने देश के लिए अगर अपनी पत्नी को छोड़ देना है, चलिए हम भी शादी करेंगे, छोड़ते चलेंगे, प्रधानमंत्री के रास्ते पे चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। क्या महिलाओं की इससे सुरक्षा बढ़ेगी? ये महिला हित की बात हो रही है। उनके लिए पूरा देश। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारी महिलाओं को इज्जत ना करे, इनको उखाड़ फेंकने के काम करेंगे हम लोग। हम अगर हमारी भी माँ बहन है उस तरह की, अगर ये रास्ता बनाते हैं तो हमारे भी बहन को कोई छोड़ेगा? ये करने से हमारा देश नहीं चलेगा, ये करने से हमारा देश टूट रहा है। ये हमारा देश को बनाने नहीं आए हैं, ये बिगाड़ने आए हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब माँ के बेटे हैं, हमारा पूरा देश जो है परिवार है, हमने अपने परिवार का त्याग अपने देश के लिए कर दिया है। परिवार को त्याग कर दिया अपने देश के लिए? अब बताइए कि देश के जो परिवार है उनका क्या हाल हो रहा है? आज रोटी के लिए भी मोहताज हो रहा है। 5 किलो राशन तो मिल रहा है, फ्री में दे रहे हैं। हाँ, फ्री 5 किलो राशन से हमारा पेट चल जाएगा? हम कमा लेंगे। 5 केजी राशन की सवाल है। करू तेल कैसे है आपके दिल्ली के अंदर? मतलब सरसों तेल दिल्ली के अंदर कैसे लीटर है? 200। आप चुप रही, आप दिल्ली में रहती हैं, आप बताइए कैसे है सरसों तेल कैसे है दिल्ली के अंदर? 200 रुपये। UPA 1 की सरकार और 2 की सरकार थी, कैसे लीटर था? मनमोहन सिंह की जब सरकार थी कैसे लीटर था? तो महंगाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ही बताइए। नौकरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो महंगाई भी आप नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसकी जवाब। कम था। कितना लीटर था? कै रुपये था? 70 रुपये लीटर, 60-70 रुपये लीटर करू सरसों तेल था, आज 200 रुपये लीटर है। आप जब खाद्यान्न की बात बोल रहे हैं, 5 केजी की बात, सिर्फ गेहूँ, एक मिनट रोकिए यहाँ, सिर्फ गेहूँ और चावल ले लिया जाए, सिर्फ उसमें और चीज लगेगा कि नहीं लगता है? भोजन बनाने में गैस जलता है कि नहीं जलता है? गैस जलता है ना? गैस का क्या रेट है? UPA 1 की सरकार और सब समझ गए कि सब लोग जान रहे हैं कि सारी चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जीत रहे हैं। आप लोग को धर्म चाहिए, आप लोग का हिंदू राज जो है वो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आप लोग को धर्म चाहिए या रोजगार? कहीं से कोई हिंदू खतरे में नहीं है, खतरा है तो नरेंद्र मोदी से देश को खतरा है, कहीं कोई हिंदू खतरा में नहीं है। अली फांसी पर लटका मजहब का दीवाना था, सब कहते हैं कुमार सिंह एक बड़ा वीर मर्दाना था, पीर अली फांसी पर लटकने के लिए था उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए, आज मुसलमान हो गया, आज मुसलमान देश में नहीं रहे। आपका क्या नाम? सुरेश कुमार सिंह। आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू है। मुसलमान को सपोर्ट करें? कैसे नहीं सपोर्ट, अंग्रेज से लड़ा मुसलमान, हम रहे मोदी के साथ, हम मुसलमान के साथ हैं। मोदी जी भी तो जाते हैं दरगाह पे चादर चढ़ाने, नहीं अंग्रेज से लड़ाई कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं ना, जब हिंदुत्व की बात करते हैं, आपके प्रेस के, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुत्व की बात करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों? वैसे तमाम मुसलमानों को है अगर दम भारतीय जनता पार्टी में तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समाप्त कर दे, है उनकी मेजोरिटी तो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, हटा तो दे हिंदुत्व सब। क्या कारण है वो सब है? क्या कारण है अल्पसंख्यक? आपसे क्या कारण है? आप दिल्ली के अंदर रहते आप खुद जानती हैं, आप तो अनपढ़ है नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ नहीं। उसका कारण एक ही है कि संविधान है, अगर संविधान नहीं होता तो भारत नहीं होता, देश धर्म से चलेगा। इनका धर्म एक अलग रहेगा, केवल वोट लेने के लिए इनका धर्म है। धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए हैं उससे चलेगा और उससे चल रहा है और चलेगा। इनके कथनी ने से देश न चलने वाला है, न चलेगा, न कभी हुआ है। ये दंगाई है गुजरात के, ये दंगाई है अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी है, और ये पूरे दंगा कराकर गुजरात में सरकार काम किए थे और वो चाहते हैं। आपको बता दें, आप चैनल के हैं, हम बिहार से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग ने देखा होगा 2 राज्यों के अंदर दंगा भड़काने का काम किसने किया? यूट्यूबर ने किया। वह यूट्यूबर कहाँ का है? मनीष कश्यप है, और वो भारतीय जनता पार्टी का वह पिछलगु है, वह भारतीय जनता पार्टी का जो RSS है
शाखा जो चलता है उसमें था, और भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक दो राज्यों में बिहार और तमिलनाडु में क्या किया, विवाद खड़ा किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ सपोर्ट करने के लिए बिहार के युवा तो बता रहे, कहीं कोई युवा नहीं, वह सिर्फ आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग उनके साथ था। कहीं कोई बिहार जहां से वो आते हैं, बेतिया से आते हैं, जिस जहां उनका घर है, जहां उनका घर है, सार एक साइकिल भी बंद नहीं हुआ, एक साइकिल भी बंद नहीं हुआ उनके मोहल्ला में, दिन रात चलते रहा जैसे पहले चलता। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये बताइए कि आप लोग इस तरीके से जो कर रहे जन सैलाब, आप लोग उभरे हुए सारे बिहार के तमाम लोग, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? 2024 में वोट की छोड़ देंगे? 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना है। आप लोग की बात मान ले, एकदम मान रहा, आप कोई खुल कर बोल रहा है, कोई अंदर से बोल रहा है, कोई समर्थन दे रहा है, अंदर अंदर कह रहा है कि जितना जल्दी नरेंद्र मोदी होके तब ये हट जाओ। हाँ, यही बात है। ये तो जितना जल्द होंगे जल्दी जो है कि 24 से पहले ही जो है कि ये अपना कुर्सी छोड़ करके भागना चालू करेंगे, क्योंकि इनका सीधा सी मकसद है, नैतिकता अगर है इनमें, अगर ये उनको देखे होंगे, ये सभा हुआ देखे होंगे, थोड़ी नैतिकता इनमें होगी, चरणी भी नैतिकता प्रधानमंत्री में होगा तो वह रिजाइन करके चले जाए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी थेथरलॉजी की पार्टी है, इनको कोई लाज शर्म नहीं है, ये महा के महा थेथर है, दिन भर झूठ बोलना, अफवाह फैलाना इनका एक पेशा है। भाई प्रधानमंत्री कैसे जीत रहे हैं बार बार? ईवीएम एक ही मकसद है, केवल ईवीएम। मैं चैलेंज करता हूँ कि ईवीएम जैसे ही वो हटाते हैं जो उनके पक्ष में, क्या बोल रहे हैं? ये ईमानदारी से नहीं जीतते, ये हमेशा चालबाजी से जीतते हैं। कैसे कैसे? बस उसके उसके नियत में बेईमानी रहता है। अब हम मान लो कभी किसी को मुलायम के वोट डालते थे, साला बीजेपी में कहां से वोट चला जाता है, हमारे पार्टी का कोई किसी को वोट ही नहीं आता है। ये कैसे जीत रही है वो लोग, उसको तो जनता प्यार करती है, सारे धंधा बना लगे इन लोगों ने, गलत इससे ये जीतते हैं। अभी भी जीत जाएंगे 2024? अब क्या, हमें जिताने नहीं आते, चूते को वोट देने ही नहीं है हमें, सीधा ही सर। हम लोग गोली बंदूक वाले नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास में ये झंडा है, इसके साथ में जो डंडा लगा हुआ है, तो इस बार जो वोट देंगे साथ साथ डंडा भी देंगे, और उसके बाद में उनको लगेगा कि हाँ किसी ने जो है कि अब चंपारण से शुरुआत किए थे ना अंग्रेज को भगाने का, इसी चंपारण से उनको जो है कि फिर खदेड़ने का काम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग बिहार से मौजूद हैं जो मेरे आसपास है, वैसे तो यहाँ रामलीला मैदान में पूरे भारत के लोग आए हुए, लेकिन बिहार के चंपारण जिले से यहाँ पे लोग हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार झंडा और डंडे से भगाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है पूरी खबर पे क्या रहा है? और साथ ही ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू या मुस्लिम, मुस्लिम जब अपने आप को फांसी पे लटका सकता है देश को बचाने के लिए, और अब वो लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ मजहब को लड़ाने का काम करते हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, राम राज जैसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों की ये राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।